हेलो गाइस, दिस इज़ वायरल ट्रोलर और आज की बकैती स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे रिपब्लिक टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी के बारे में, जो पहले सब लोग पे चिल्लाया करते थे और आजकल भीगी बिल्ली बने हुए हैं। अर्नब इज इंटरव्यूइंग मिस्टर अमित शाह, वॉच दिस। कि उन्नाव और कठुआ के केसेस पर बुरा न माने मगर लोगों का परसेप्शन ये है और लोग फील कर रहे थे कि कैजुअल एटीट्यूड थी बीजेपी। बुरा ना माने तो हो भाई साहब, यकीन नहीं हो रहा है, क्या ये वही अर्नब है? एक मिनट, जर्नलिज्म करनी है, होली थोड़ी ना खेलनी है, ये क्या होता है? बुरा ना माने तो बुरा ना माने मगर लोगों का। दीज आर द वर्ड्स ऑफ अर्नब गोस्वामी, नाउ लिसन टू दिस। हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिवली एक्शन लेना पड़ता है जो सरकार में बैठे हों। नहीं, मैं इस पे पॉलिटिकली, वरना एक दूसरा कार्यक्रम होगा। पॉलिटिकली डिसएग्री, हद हो गई है यार, पॉलिटिकली डिसएग्री, पॉलिटिकली अर्नब गोस्वामी। Can I tell you why? Then you stop. I'll tell you why. I can't shout over you. I'll tell you why. I'll tell you why. I'll tell you why, Mr. Pathan. वैसे अर्नब, तुमने जो किया सही किया यार, कुछ करते तो चिकारा तुमको छोड़ता नहीं। हेल चिका रहा। इस पल में तुम्हारे दिमाग में गद्दारी का ख्याल आया, दूसरे ही पल तुम जिंदा नहीं रहोगे। सर, देश से गद्दारी करके आपके पास आए, आपसे गद्दारी करूंगा तो कहां जाऊंगा? कुछ भी कह लो, चिकारा भाई का टेरर है। पोलाइटली डिसएग्री। समझदार दिखते नहीं हो लेकिन समझदार हो। यू नो द वे ही इज टॉकिंग, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कस्टमर से बात कर रहा है अपने। बुरा न माने मगर लोगों का। बात तो सही है, कोई बच्चा भी देश से देखकर बता सकता है कि कौन सा न्यूज चैनल किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहा है। अरे न्यूज चैनल क्या, अब तो इंटरनेट ट्रोलिंग चैनल भी बिक चुके हैं, वो भी सिर्फ एक ही पार्टी का मजाक उड़ाते हैं। अब भैया पैसा क्या ना करवा दे। सो इन दिस डिफिकल्ट टाइम यू गाइस शुड सपोर्ट अनबायस्ड पीपल। In the end, Mr. Arnab, please don't sell your soul, man. यार वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसी लगी। यार कमेंट करोगे तभी तो भाई की वीडियो चलेगी ना यार। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बिल्कुल अर्नब की तरह सब्सक्राइब करना, एकदम पोलाइटली। तुम तो